हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प एंड रोजगार पर। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आया हूं। दोस्तों, मैं ऐसी न्यूज़ लेके आया हूं जिसमें आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। मतलब दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया जॉब आपके लिए होने वाली है। तो चलिए, पहले मैं आपको सबसे पहले आपको जॉब बता दूं आपकी किस में जॉब होने वाली है। आपकी जॉब होने वाली दोस्तों गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें पर्ची काटने की आपकी जॉब होने वाली है। हाँ, बहुत ही बढ़िया जॉब है पर्ची काटने की। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पर्ची काटनी होगी। दोस्तों, काफ़ी सारे पेशेंट्स की ऐसी पर्ची काटनी होती है और बहुत ही ईजी जॉब है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, ये एकदम अनपढ़ के लिए है। दोस्तों, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अनपढ़ हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस फॉर्म को भरने में। और इसी वीडियो में मैं आपको सारी डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ, इसके क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म भरने में, और आपकी जितनी भी जानकारी है फॉर्म भरने में क्या क्या इसमें लगने वाली है वो सारी बातें, और आपकी जो एलिजिबिलिटी मतलब आपकी क्या क्या इसमें एजुकेशन मांगी गई है वो सारी बातें मैं आपको अपनी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और सारी बातें आपको सुनने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपना पर्सनल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, उसमें आप कमेंट करके अपना जो प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में क्या आपको आ रही है वो बता सकते हैं। चलिए, मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। और उससे पहले हमारी एक विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट हैं वो मिलती रहे हमारे चैनल के थ्रू। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, आपकी इसमें क्या जॉब रहेगी। आपको सिर्फ इसमें पर्ची काटनी होगी, बहुत ही बढ़िया जॉब है आपके लिए। चलिए, मैं आपको इसके पहले सबसे पहले एजुबिलिटीज़ बता दूँ, मतलब आपसे पहले आपकी मैं एजुकेशन बता दूँ, आपकी एजुकेशन इसमें क्या है। दोस्तों, आपकी इसमें कोई एजुकेशन नहीं मांगी गई, अगर आप अनपढ़ हैं तो अभी इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों एक बात क्लियर कर लूँ, आपको इसमें काम क्या एक्चुअल में काम होने वाला है। आपको कुछ इतना ज़्यादा जो काम है वो नहीं होने वाला है। आपको पेशेंट आते हैं दोस्तों, आपको उसमें जो नंबर है पर्ची काटनी होती है, किस नंबर पर आपको पेशेंट को भेजना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसमें पर्ची काटनी होगी दोस्तों पेशेंट्स की। बहुत ही ईजी जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है दोस्तों, आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। तो बने रहे हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, अपना पर्सनल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आने पर दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगा आपके फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूंगा, अगर आपने एजुकेशन में अगर आपने 10वीं पास कर ली तो अभी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो मार्कशीट है उसकी आपको लगने वाली है। वरना आप अनपढ़ हैं तो आपका मेन जो डॉक्यूमेंट रहेगा दोस्तों आपका आधार कार्ड रहेगा। आपको कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा फॉर्म में आपको कैसे उस आधार कार्ड का आपको लिंक कैसे आपको मिलने वाला है और आपको कुछ नहीं करना होगा उसमें। चलिए, मैं आपको बता दूँ आपका जो फॉर्म का लिंक है दोस्तों आपको कहाँ मिलने वाला है। आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में उसमें जाकर आपका जो फॉर्म का लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों फॉर्म आराम से मिल जाएगा। उस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी जो नॉर्मल डिटेल्स है वो भरनी पड़ेंगी दोस्तों, मतलब आपका जो नाम पता एड्रेस जो नॉर्मल डिटेल्स हैं आपको उसमें फिल करनी पड़ेंगी, और आपका एक छोटा सा फोटो पासपोर्ट साइज फोटो जो इसमें अपलोड होगा दोस्तों। और आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, अपना जो आधार कार्ड का जो नंबर होता है आपको उसमें फॉर्म में फिल कर देंगे, आप आराम से उस फॉर्म को भर पाएंगे। इतनी कुछ ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं मांगी गई है। और मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी कितनी इसमें सैलरी होने वाली है, तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको मैं बताऊंगा कितनी आपकी इसमें एज मांगी गई है दोस्तों। आपकी जो इसमें मिनिमम एज होने वाली है वो आपकी 18 प्लस होने वाली है। अगर आपने 18 साल के हो चुके हैं और आप 18 साल के होने वाले हैं तो अभी इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी मिनिमम एज मैं बता ही चुका हूँ आपकी 18 साल है, और आपकी मैक्सिमम एज में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर आप 40 साल के हैं तो आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल के अगर आप प्लस हैं तो इसके लिए आराम से अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी फॉर्म में भरने में। और सारी डिटेल मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे कि आपके इसमें क्या एजुकेशन मांगी गई और क्या आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें लगने वाले हैं। आपका मेन डॉक्यूमेंट मैं आपको बता चुका हूँ, आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड है, और आपको जो हमारे फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपनी प्रॉब्लम हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना पर्सनल नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं आराम से दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को अंदर देखने के लिए।